अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ, वो है सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट में इंस्टाग्राम पोस्ट भी आती हैं, स्टोरीज भी आती हैं, फेसबुक पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट भी आती हैं, यूट्यूब से मुतल्लिक भी शॉर्ट वीडियोस आती हैं। आज हम जिस इसको देखेंगे वो है फेसबुक पोस्ट से मुतल्लिक। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि fiverr.com पे किस तरह ये एक सक्सेसफुल कैटेगरी कह लें, एक टॉपिक कह लें जो फाइवर पे चल रहा होता है, लोग आसानी से इस पे कैसे इनकम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, मैंने सिंपल लिखा है kaana.com सोशल मीडिया डिज़ाइन, ठीक है, ऊपर सर्च किया है, मेरे पास यहाँ पर 11,000 सर्विसेज आ गई। एक ये अच्छी मतलब हाई सर्विसेज में इंक्लूड होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करते हैं वर्ड्स को, तो हम लोग इसमें अच्छे तरीके से अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर्मल कैनवास सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया करते हैं तभी थोड़ा सा होता है। अब हम कैनवास सोशल डिज़ाइन कह सकते हैं, ये अगर हम लिखते हैं तब क्या आता है हमारे पास, तब ऑलमोस्ट 12 था, 12,000 आती है। अगर हम इसमें यहाँ पर दिखाऊँ मैं आपको पोस्ट से मुतलिक, तो यहाँ पर level 1, level 2 के सेलर्स हैं जो अपनी सर्विसेज को यहाँ पर शो केस करके बैठे हैं। यहाँ पर एक ये देखें, ये एक पर्सन है, इसने ये भी level 1 का सेलर नहीं है, इसको देखते हैं इसने कितने आसानी से इसको बनाया हुआ है। इसके अलावा हम एक level 2 के सेलर को भी ले लेते हैं। टोटल 3 पोस्ट लेते हैं, उससे मुतलिक हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग पोस्ट भी बना के देखते हैं कैसे पोस्ट बनती है। एक और हम लोग यहाँ से कौन सी लिंक पहुँच रहे हैं, आई थिंक ये ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, फर्स्ट पोस्ट हमारे पास आ गई है, ये level 2 की ना सेलर है ना वन की, ये अभी बेसिक लेवल पर हैं। इनकी प्रोफाइल देखें तो ये पाकिस्तान से हैं, ठीक है, तो ये देखें इनके 13 ऑर्डर्स हो चुके हैं, बेसिक इनका 800 है और स्टैंडर्ड 1700, प्रीमियम 3000। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, इन्हें 13 ऑर्डर्स हुए हैं मल्टीप्लाई 875, तीन के ऑलमोस्ट 11,500 रुपये बनते हैं, ठीक है, 11,000 बन जाते हैं, तो अच्छी खासी अमाउंट है एज स्टार्टिंग सेलर के लिए। तो अब आप इन्हें देख लें पोस्ट कैसे बनी हुई है, ये kaana.com की ही पोस्ट है, वहाँ पे आसानी से बना सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो ये देखें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखे, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक और पोस्ट के ऊपर, यह है level 2 के सेलर, इनका भी बेसिक 875 का है, स्टैंडर्ड 17 का है, प्रीमियम 2600 का है। अभी हमें ये नहीं पता कि इसमें से कितने ऑर्डर्स पे कौन सी सेल, हम सिर्फ बेसिक को देख रहे हैं कि इनका जो बेसिक पैकेज है उसको हम लोग सिंपली काउंट करते हैं। देखिए इनके 156 ऑर्डर हैं, 156 मल्टीप्लाई अगर 875 करते हैं तो देखिए इनके ऑलमोस्ट 1,36,000 बन जाते हैं, जो एक अच्छी खासी अमाउंट है। लेकिन इस level 2 के सेलर हैं, उसके बावजूद ये कैनवा यूज़ कर रहे हैं। अब देखें ये ज़रूरी नहीं है कि level 2 के सेलर हैं तो आप कैनवा यूज़ नहीं कर सकते, level 1 के हैं तब नहीं यूज़ कर सकते, आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी लेवल पर हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो सिंपल ऐप होता है, 1 डे डिलीवरी होती है, अनलिमिटेड रिवीजन, और आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी कहेंगे उससे 1 से 2 प्लेटफॉर्म, बेसिक में 1 से 2 प्लेटफॉर्म होते हैं, स्टैंडर्ड में 3 से 4 होते हैं, और प्रीमियम में ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पोस्ट बनानी पड़ती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पोस्ट ये हमारे पास आती है, ये भी level 2 के सेलर हैं, 31 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं इनके, इन्होंने एक वीडियो डाली हुई है। अगर मैं वीडियो ऑन करता हूँ तो एक छोटे से एनिमेशन वीडियो है जिसके अंदर ये बता रहे हैं सेटिस्फेक्शन level 100, एडिटेबल पोस्ट और फ्लायर ब्रोशर ये डिज़ाइन करते हैं, ये भी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करते हैं। 31 ऑर्डर हो चुके हैं, ये भी एक अच्छे सेलर इस वक्त चल रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी डायरेक्ट kaana.com के ऊपर, ये एक मैंने टेम्पलेट ऑन इस पे से ओपन किया था फेसबुक पोस्ट के ऊपर, ये एक प्रीमियम टेम्पलेट है, इसको परचेज करना पड़ेगा आप, ठीक है, पेड है। हम इसी से देखते हैं, देखिए हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। मैं फर्दर पोस्ट के ऊपर गया हूँ, यहाँ मैं कोर्ट्स पर क्लिक करता हूँ तो मैं बस पोस्ट आ जाती है काफ़ी ज़्यादा, इसको मैं 0 से बना के दिखूँगा ताकि आपको पता चले कि हम लोग कैसे आसानी से कोई भी पोस्ट बना सकते हैं। ये देखें ये री पोस्ट, हम सिंपली क्या करते हैं यहाँ से जाके एक ब्लैंक हम लोग कैनवस खोल लेते हैं, ब्लैंक कैनवस के ऊपर हम लोग कोशिश करते हैं ये चीज़ बनाएं जल्दी से जल्दी, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या था, एक सर्कल हम लोग ले लेते हैं, इसके अंदर इमेज हमने ड्रॉ करनी है, ये रहा हमारे पास सर्कल, ये फ्री है टोटली, यहाँ से हमने सर्कल लिया, इसको यहाँ पर हमने कर दिया,
कुछ ऐसे करके प्लेस है, मैं ऑल्ट दबा के इसको मैंने ऑल्ट शिफ्ट दबाऊंगा, सॉरी यहाँ कॉर्नर से मैं इसको अगर जूम करता हूँ थोड़ा सा तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एक सर्कल। ठीक है, कॉर्नर से आपने करना है, साइड से करेंगे तो वो उसकी लेंथ खराब हो जाएगी। ठीक है जी, ये सर्कल आ गया। इस सर्कल के ऊपर हमने एक इमेज प्लेसमेंट वाला आइकॉन रखना है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, फ्रेम्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इमेज हमने ऐड करनी है तो हमें फ्रेम्स लेनी पड़ेंगे। ठीक है, फ्रेम पे क्लिक किया, यहाँ पर फ्रेम आ गया। यहाँ फ्रेम को मैं करता हूँ मिडल में प्लेस। ठीक है, और अब मैं इसको अगेन इसको भी बड़ा करता हूँ इसके मुताबिक, कुछ मैं इतना बड़ा करके इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ ताकि वो हमारा बॉर्डर आ जाए और ये हमारा फ्रेम बन। ठीक है, ऐसे कुछ बन इस टाइम हमारे पास टेम्पलेट में मौजूद है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से यहीं पर अगर मैं यहाँ पर मैं टेम्पलेट में जाकर लिखता हूँ फादर्स डे। ठीक है, यहीं पे कोई ना कोई इमेज आ जाएगी हमारे पास फादर्स डे की। एलिमेंट्स में अगर जाकर हम लिखते हैं फादर्स डे, ये एक एक इमेज आ गई। यही इमेज मैं फॉर एग्जाम्पल में क्लिक करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इस इमेज को यहाँ पर देखें, इमेज प्लेस हो चुकी है। जो इसका बैकग्राउंड है वो अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लाइट वाइट सा रख देते हैं, और जो ये हमारी इसकी बॉर्डर है, बॉर्डर को हम चेंज करके हम लोग लाइट ब्लू, हाँ लाइट ब्लू ज़्यादा बेटर रहेगा, ये रख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास काम ये है कि हमने इसे यहाँ पर कोड लिखना है। अगर हम यहाँ पर लैंग्वेजेस को देखते हैं तो ये एक खूबसूरत है, बेहतरीन, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। अगर हम इसी को यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, इसी को यूज़ करते हैं तो ये बेटर रहेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग श्रिंक करके यहाँ पर रख लेते हैं। मैंने एक वेबसाइट खोली है यहाँ पर, यहाँ से कोई सा भी एक कोड हम उठा लेते हैं। ये हमने कोट उठाया और यहाँ पर हम लोग अगर इसके मिडल में प्लेस कर दें। ठीक है, ये हमने प्लेस कर दिया, और जो यहाँ पर बंदे का नाम था स्टीव मार्टिन, वो भी हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, स्टीव मार्टिन थे, इसको अगर हम इसके थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं फॉन्ट्स को। ठीक है, ओके, 50 ठीक है, 50 फॉन्ट्स कर लेते हैं इसको ऐसे करके। यहाँ तक ये आ गया हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ नीचे हमारे बॉर्डर में एक एलिमेंट ऐड कर लेते हैं कोई सा भी। यहाँ पर अगर मैं बॉक्स लिखूँ, सिंपल बॉक्स, बॉक्स भी नहीं लिखते हम लोग, सिंपल यहाँ से ना कोई सा भी ग्राफिक्स पे क्लिक करें। हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं, इसको क्लिक किया हमने, यहाँ पर प्लेस किया, इसको हम छोटा मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अपने लिहाज से अगर इसको मैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर इसके बैक पे प्लेस कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, इसको हम सेंड टू बैक कर, सॉरी सेंड टू बैक। ठीक है, और इस येलो बॉक्स को थोड़ा सा मैं इधर रख लेता हूँ ऐसे करके। ऐसे ये कुछ ऐसी हमारी पोस्ट बन गई, थोड़ी सी खूबसूरत सी ऐसे करके, सॉरी ये हमारी पोस्ट कंप्लीट हो गई। इसको थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ ताकि ना यहाँ पर हमारा बराबर हो जाए, यहाँ तक रख। ठीक हो गया, अब जो ये लिखा है इसको थोड़ा सा मिडिल में कर लेते हैं यहाँ पर, सही है। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है, ये थोड़ा सा अगर मैं इसको कलर चेंज कर दूँ, इसका कलर ऑलमोस्ट कलर इसका थोड़ा सा यहाँ से डार्क डल कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये ठीक लग रहा है, ये बेटर लग रहा है। यहाँ एलिमेंट्स में अगर हम यहाँ पर लिखते हैं
सेमीकोलन, फॉर एग्जाम्पल गलत लिखा है क्या? कोट्स में हमारे पास एक छोटा सा सैंपल आ रहा है, अगर हम सेमी लिखते हैं तो वापस क्या आता है? ये भी एक ऑप्शन है, ये भी रख सकते हैं अगर आना चाहे तो। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिखते हैं सेमी कॉलन, यहाँ से भी इमेज ले सकते हैं, वरना हम यहाँ से भी इमेज ले सकते हैं अगर हमारे पास आ जाती है। हाँ तो ये हमारे पास पेड इमेजेस हैं, इसका पेड इमेजेस, पेड इमेजेस, पेड पेड पेड, ये ऑलमोस्ट सारी ही पेड हैं। ये थोड़ा सा इशू हो सकता है हमारे पास, अगर मैं कॉलन लिखती हैं तब हमारे पास क्या आता है? आई थिंक कॉलन भी सारे ही परचेज करने पड़ेंगे हमें। अगर हम डॉट लिखते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये डॉट्स आ रहे हैं, डॉट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डॉट्स अगर हम यहाँ पर प्लेस करते हैं इसके ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे, इसको छोटा कर देते हैं देखिए डॉट्स को, और इन डॉट्स का कलर हम लोग सेम यही रख लेते हैं जो हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट होगी। हम डायरेक्ट यहाँ से पोस्ट भी कर सकते हैं, अगर डाउनलोड करना चाहे PNG फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट करते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट काम क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।